प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मल्काजगिरी इलाके में काफी बड़ा रोड शो करने वाले हैं। इसकी तैयारी यहाँ के कैंडिडेट जो चुने गए हैं इटला राजेंद्र जी के समक्ष में गिरती है। सर, किस तरीके की तैयारी चल रही है अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो के लिए? काफी बड़ा ये प्रोग्राम माना जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली इस इलेक्शंस मोदी जी के नाम से चल रहा है। हर एक फैमिली मोदी जी को सपोर्ट करना, मोदी जी को हम आगे ले जाना बोल के समझ रहे हैं। इसीलिए हर एक फैमिली मोदी जी कल निकाले सो रैली को पार्टिसिपेट होने के लिए वॉलंटरी आगे आ रहा है। मिर्जालगुड़ा चौरस्ता से लेके मल्कागिरी चौरस्ता तक जो 1.2 किलोमीटर रोड शो चलेगा उसमें शामिल होने के लिए तैयार है। तो क्या क्या तैयारियां हैं सर अभी पार्टी की तरफ से, क्या क्या होगा, एजेंडा क्या होगा मल्कागिरी के लिए? एक्चुअली मल्कागिरी में पार्टी को जिताने के लिए और स्फूर्ति देने के लिए मोदी जी आ रहा है। तेलंगाना के अंदर 17 पार्लियामेंट सीट है, उसमें से 12 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतने का चांसेस है, बल्कि जो रिपोर्ट्स आया था उसमें मल्कागिरी एक है। इसीलिए मल्कागिरी 100% जिताने के लिए अब मोदी जी जो आ रहा है। यहाँ का जो आवाम, जो मल्कागिरी पार्लियामेंट के अंदर जो आवाम है, हर एक आदमी किसको भी पूछो, इस बार नो BRS पार्टी, नो कांग्रेस पार्टी, ओनली फॉर BJP, ओनली फॉर मोदी। एंड इसमें इटला जी मैं भी हूँ ना, मैं इससे पहले मूवमेंट में काम किया था, मंत्री जी का काम किया था, वो भी सिंस 22 ईयर्स, व्हाट आई एम देर दे नो अबाउट मी। इसलिए मेरा को भी आशीर्वाद देने के तैयार है। सर, आप पहले भी थे मूवमेंट में, आपका बहुत बड़ा रोल था, आप मंत्री पद भी संभाले हुए थे KCR की सरकार में, आपने हाल ही में KCR के खिलाफ भी लड़ा है, लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में हम देखें पिछली बार रेवंत रेड्डी यहाँ से लड़े थे जो अभी मुख्यमंत्री है, तो आपके लिए एक बड़ा चैलेंज माना जा सकता है इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ना और जीतना, तो इसको आप कैसे देखते हैं? एक्चुअली ये पार्लियामेंट बहुत बड़ा पार्लियामेंट है, 36 लाख वोट्स है, 1/10 वोट्स तेलंगाना का मल्कागिरी में है। मल्कागिरी इसीलिए मल्कागिरी बहुत सोचने का कॉन्स्टिट्यूएंसी है, यहाँ पे बहुत एक्टिव रहता है एम्प्लॉज एंड रिटायर्ड एम्प्लॉज, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉज एंड जो व्यापारी, सभी लोग रहने का जो है, जो नया एक्सपैंडेड सिटी ज़्यादा है यहाँ पे, मिनी इंडिया बोलता है मल्कागिरी को, मिनी इंडिया बोलता है। ये मिनी इंडिया में, ये कॉस्मोपॉलिटन कल्चर में 100% सभी लोगों को मिलने के लिए वो ताकत नहीं रहता, टाइम भी नहीं रहता, मगर हर एक कॉलोनी में जो अपार्टमेंट्स भी हो, गेटेड कम्युनिटी भी हो, बस्ती में भी हो, हर एक जगह मोदी जी को मोदी मोदी बोल के बोल रहे हैं। सर, कांग्रेस के जो कांग्रेस के अध्यक्ष और तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने कई सारे आरोप लगाए हैं BJP पर, आप पर भी, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, खास करके रेवंत रेड्डी जी? उनके बारे में क्या बोलते, आज एक बोलता, कल एक बोलता, नेक्स्ट डे और एक बोलता, उनका बात कोई मानने वाला भी नहीं है। पोजीशन आने के बाद थोड़ा लैंग्वेज चेंज करना और सोच के बात करना, कुछ भी बात करो चलेगा बोल के ऐसा बोले तो आने वाले दिन में मालूम होता। KCR जी ऐसी करें ख़त्म हो गया, इन्हें भी ऐसी करें तो ख़त्म हो गया। BRS, BJP और AIMIM साथ में कांग्रेस के खिलाफ लड़ रही है, ये आरोप पहले भी लगाते रहे हैं, अभी भी बोल रहे हैं, तो इस पर आप? हम तो, हमारा जो मित्र कोई भी नहीं है यहाँ पे, MIM कांग्रेस भी से जुड़ता है, MIM BRS पे भी जुड़ता है, उन लोगों को पावर रहना चाहिए। इसलिए ये सारे पार्टीज अलग है, हमारा भारतीय जनता पार्टी अलग है। इस बार सारे आवाम ने एक ही सोच रहा है, इस बार मोदी फिर प्रधानमंत्री बनना, इसीलिए हम वोट डालेंगे बोल के है। ये हमारे से कोई पार्टी से संबंध नहीं है। धन्यवाद सर आपसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के मल्कागिरी के कैंडिडेट इटल राजेंद्र जी, कैमरा पर्सन दामोदर के साथ अब्दुल बशीर, मल्कागिरी।